हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपर स्मैश लीग 2023 के 8th मैच के बारे में, जो कि सेंट्रल स्टैक्स वर्सेस ऑकलैंड के बीच है। और इस मैच को आप कल सुबह के 8:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यह मैच न्यू प्लाईमाउथ के पुकेपुरा पार्क में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सेंट्रल स्टैक्स से टॉम ब्रूस, विल यंग, डैन क्लेवर, विलियम क्लार्क, जॉस क्लार्कसन, डॉग ब्रेसवेल, बीवान स्मॉल, जॉय फील्ड, अजाज पटेल, ब्लेयर टिकनर और जैडन लेनॉक्स, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 सेंट्रल स्टैक्स के। अब अगर ऑकलैंड एसेस के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ऑकलैंड से मार्टिन गुप्टिल, फिन एलन, सिन सोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल, जेम्स निसम, कैम फ्लेचर, रयान हैरिसन, डैनरो फर्न्स, लुइस डेलपोर्ट, निकित परेरा और बेन लिस्टर, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 ऑकलैंड एसेस के। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे ऑकलैंड एसेस सेकंड पोजीशन पे 6 पॉइंट्स के साथ हैं। 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच में जीत हुई है। वहीं सेंट्रल स्टैक्स पॉइंट्स टेबल पे 3rd पोजीशन पे 4 पॉइंट्स के साथ हैं। 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच में जीत हो पाई है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे सुपर स्मैश लीग 2023 के इस 8th मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार सेंट्रल स्टैक्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 8th मैच को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।